एक भस्मासुर को भी आशीर्वाद दिए थे जी। और भस्मासुर का आशीर्वाद मिलने के बाद में जिसके माथा पर हाथ रख करके जलाने का काम करता चिराग पासवान बिहार के निर्माण और बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट बनाने के लिए अभियान नहीं चलाए हैं, ये आशीर्वाद यात्रा अपने को पुनर्स्थापित करने के लिए कर रहे हैं। राजनीति में इतिहास की चर्चा तो वर्षों से होती रही है, लेकिन जब पुराण की चर्चा हो जाए, वेद की चर्चा हो जाए, तो फिर क्या कहना। बिहार की राजनीति है, बिहार की राजनीति आपको सभी दिन दिखा सकते हैं, सिक्के के सभी पहलू दिखा सकते हैं। अब बात करते हैं बिहार की राजनीति में शिव पुराण की चर्चा आ गई है। जब शिव पुराण की चर्चा आती है तो आपको भस्मासुर वाला प्रकरण भी याद आ जाता होगा। अब हम आप क्यों चर्चा कर रहे हैं आज शिव पुराण की, भस्मासुर की, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल चिराग पासवान जी के पार्टी यानी कि रामविलास पासवान जी की जो पार्टी थी लोजपा, उसमें क्या कुछ हुआ ये बात अब आपको बताने की जरूरत नहीं है। लोजपा अलग अलग खेमों में बटी हुई है, दोनों खेमा जो है असली लोजपा होने का दावा कर रही है। जब हम उनके सामने जा करके खेमा कहने का जो है जहमत उठाते हैं तो उनकी ओर से हमें फटकारा जाता है, कहा जाता है लोजपा में कोई खेमा नहीं बना है बल्कि ये असली लोजपा है, बाकी उन्हें साइड कर दिया गया। जब आप पशुपति कुमार पारस जी के पास इस बात की चर्चा करते हैं कि आप लोजपा के खेमे हैं, तो उनसे कहा वे कहते हैं कि चिराग पासवान जी को हमने नेतृत्वकर्ता के रूप से जो है किनारा कर दिया, उन्हें साइड कर दिया है, लोजपा यही ओरिजिनल है और उन्हें हमने अलग कर दिया है। जब चिराग पासवान जी के पास चर्चा करते हैं तो वे कहते हैं उन्होंने एक अलग लोजपा जो है का गठन कर लिया है, वो लोजपा नहीं है, ओरिजिनल लोजपा चिराग पासवान वाली लोजपा है। खैर आप दर्शक हैं, आप जानते हैं कि क्या कुछ है, इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन पशुपति कुमार पारस जी के करीबी हैं और उनके जो उनका जो पार्टी का जो कैबिनेट है उसके भीतर में प्रदेश के महामंत्री हैं, हम बात करें केशव सिंह जी की। केशव सिंह जी काफ़ी चर्चित व्यक्ति हैं, जदयू में शामिल हुए थे, फिर पशुपति कुमार पारस जी के साथ लोजपा में आए, प्रदेश के प्रधान महासचिव बन गए। इसके बाद उन्होंने चिराग पासवान को लेकर के बड़ी बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा है कि आपको शिव पुराण वाला बात पूरा प्रकरण याद होगा जिसमें भस्मासुर वाला भी, भस्मासुर ने क्या किया था, वह भस्मासुर जहाँ भी हाथ रखते थे उसे ही भस्म कर देते थे, तो चिराग पासवान जी ने अपनी पार्टी को ही भस्म कर दिया। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि ये आशीर्वाद यात्रा नहीं है, ये फर्स्ट बिहार फर्स्ट बिहारी वाली कोई यात्रा नहीं है, बल्कि खुद को जो है फिर से संचित करने के लिए, खड़ा करने के लिए चिराग पासवान जी यात्रा कर रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि ये चिराग पासवान जी का आशीर्वाद यात्रा नहीं है बल्कि भस्मासुर का यात्रा है। अब देखिए बहुत सारी बातें कही है केशव सिंह जी ने, अब क्या कुछ कहा है उन्होंने आइए देख लेते हैं उनका ये वीडियो। हमारे देश का जो शिव पुराण पढ़िएगा तो शिव पुराण में एक चर्चा आता है जी। कि शिव जी का आशीर्वाद लेने के लिए तो बहुत लोग तपस्या किया जी। अब बहुत लोग तप किया, बहुत लोगों का आशीर्वाद दिए और घरदानी थे जी। लेकिन एक भस्मासुर को भी आशीर्वाद दिए थे जी। और भस्मासुर का आशीर्वाद मिलने के बाद में जिसके माथा पर हाथ रख करके जलाने का काम करता था चिराग पासवान बिहार के निर्माण और बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट बनाने के लिए अभियान नहीं चलाए हैं, ये आशीर्वाद यात्रा अपने को पुनर्स्थापित करने के लिए कर रहे हैं और यह भस्मासुर का आशीर्वाद यात्रा होगा और इससे बिहार का कल्याण नहीं होगा, बिहार को बर्बादी तय करने के लिए आए हैं। जिस व्यक्ति अपने पार्टी को कल्याण नहीं किया, जो अपने पार्टी को बर्बाद कर दिया, वह बिहार राज्य के लोगों का क्या बर्बाद करेंगे, उनको बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट और बिहार के लोगों का चिंता रहता तो उत्तर प्रदेश के आदमी से रिमोट कंट्रोल से पार्टी नहीं चलाते हैं, वो घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। और चिराग पासवान को अब लोक जनशक्ति पार्टी अपने नेतृत्व तो परिवर्तन करके साइड लाइन लगा दिया है, विश्राम करें, आत्ममंथन करें, आत्ममंथन के बाद उनको जब सही ज्ञान हो जाएगा, जा रहे हैं बार बार गया बुद्ध भगवान की धरती पर, ज्ञान की धरती है, हम लोग भी भगवान से मनाएंगे कि ज्ञान की धरती पर उनको स्वविवेक मिले और आत्ममंथन करके अपने पाप का प्रायश्चित करें, उसके बाद लोक जनशक्ति पार्टी उनके बारे में भविष्य में सोचे। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली, ओजे एगो घंटी बा ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।